हेलो ऑल, हम आज फिर आ चुके हैं और हमारे साथ आज है विशाल कुमार। विशाल कुमार आज बात करेंगे हमारे साथ जस्ट डायल के कुछ बिजनेस अनइथिकल प्रैक्टिसेस पे। सो विशाल जी, आप पहले अपने बारे में बताइए, फिर क्या जस्ट डायल ने ऐसा क्या किया कि आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी? जी, तो मैंने क्या किया था कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में, तो बहुत टाइम से मेरी पढ़ाई डिस्कंटिन्यू थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। मैंने फर्नीचर का एक बिजनेस स्टार्ट किया था और मैंने जस्ट डायल पे रजिस्टर किया फ्री वाला। तो मुझे जस्ट डायल की तरफ से एक फोन आया कि हमारी ये सर्विसेज हैं। उन्होंने पहले पूरी सर्विसेज बताई, फिर एंड में बोला कि ये थोड़ी सी पेड होगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमारे एक एग्जीक्यूटिव कल आएंगे, आपका फ्री रहते हैं। तो मैंने बता दिया टाइम, तो वो आए और फिर उन्होंने प्लान वगैरह दिखाया। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं 2 महीने बाद बंद कर सकता हूँ अगर ये नहीं चला या फिर मेरे को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने सीधा बात घुमा दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, हम सर्विस नहीं देंगे 2 महीने बाद, तो बंद आप बंद कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, 12 महीने तक ये चलना कंपलसरी है। ये 9 महीना चलना कंपलसरी होता है, फिर आपको 3 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि बंद कर दो। तो यानी कि 9 प्लस 3 मंथ, तो 12 मंथ ये चलेगा ही चलेगा। ये उन्होंने मुझे नहीं बताया और 2 महीना का बोल करके मेरे को चिपका के चले गए। तो मैं चल नहीं पाता हूँ, डिसेबल हूँ मैं। तो उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी साइन कर दिया। फिर मैं घर में आके आराम से बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने लगा। उस पर लिखा हुआ था कि आप 12 महीने से पहले बंद नहीं कर सकते। तो मैंने उनको 1.5 घंटे बाद ही कॉल कर दिया कि जो मैंने फॉर्म साइन किया है वो आप मत जमा मत करना, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना, आपने झूठ बोला है मेरे को। तो उन्होंने अपने मैनेजर को लिया और मैनेजर मेरे को जबरदस्ती समझा रहा है कि आप एक बार ट्राई करो ट्राई करो। मैंने बोला मैं ट्राई क्यों करूं, जब आपका बंदा ही झूठ बोल के गया है ये 2 मंथ्स का सर्विस है और ये है 12 मंथ्स का, और उसके बाद भी बंद करने के लिए मुझे 3 महीना पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा और तब आप डिसाइड करोगे कि बंद करना है कि नहीं, तो मेरे को नहीं चाहिए। तो उन्होंने, मैंने जबरदस्ती करके फोन काटा और फिर क्या किया कि उन्होंने मेरे को अगले दिन कॉल किया कि ठीक है, हम आपकी सर्विस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो 3,000 रुपये आपने दिया है वो हम रिफंड नहीं करेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप रिफंड मत करो लेकिन स्टार्ट मत करना। लेकिन उन्होंने फिर भी स्टार्ट कर दिया था, जबकि उन्होंने मेरे को झूठ बोला। अगले महीने को मेरे को मेरा ईसीएस 1,500 रुपये डिडक्ट हो गया। मैंने उनको फिर बताया कि भाई आपने तो बोला था कि स्टार्ट नहीं किया, अब स्टार्ट कर दियो। बोलता कि हाँ भाई, हम आपका पैसा वापस कर देंगे 1,500, अब कैंसिल चेक कर दो और हमने अब सर्विस आपकी बंद कर दिया। लेकिन मैंने तब तक रिसर्च कर लिया था कि ये लोग झूठे लोग हैं बिल्कुल। और मैंने कस्टमर केयर ही बात किया तो कस्टमर केयर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, आप जो करना करो, हम तो बंद नहीं करेंगे, सीधा सीधा मना कर दिया। तो मैं समझ गया था कि उन्होंने बंद नहीं किया है और वो झूठ बोल रहा है मैनेजर उसका। तो मैंने जाकर के अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया। जब मैंने बैंक अकाउंट बंद कर दिया, मुझे बाउंस का ऑप्शन, मेरे को मैसेज आया कि आपका ईसीएस बाउंस हो गया है। इसका मतलब उस बंदे ने सेकंड टाइम भी झूठ बोला था कि हमने आपका ईसीएस तो क्लोज किया है। फर्स्ट टाइम बोला था कि हमने स्टार्ट नहीं किया, सेकंड टाइम बोला हमने क्लोज कर दिया लेकिन नहीं किया। उसके बाद क्या हो रहा है, अगले दिन क्या हुआ कि जस्ट डायल से रैंडमली एक ओटीपी आ गया मेरे को। बंदा कॉल करके बोलता है ओटीपी बताओ। मैं बोला भाई क्या है, किस चीज का? बोलता है कि हम आपका कैटलॉग बना रहे हैं। मैंने बोला कि मैंने आपको कॉल करके बोला मेरा बिजनेस बंद हो गया है, फिर भी आप कैटलॉग किस चीज का बना रहे हो जब मेरा बिजनेस नहीं है? मैंने बोला कि आप अपने साइट से बिल्कुल डाटा डिलीट कर दो, मेरा शॉप बंद हो चुका है। उन्होंने फिर जो बोला कि ठीक है, हम बंद कर देते हैं, पहले आप ओटीपी बताओ। मैंने बोला कि जब मेरा अकाउंट ही मेरा बंद हो चुका है शॉप, तो मैं ओटीपी क्यों बताऊं? क्यों कैटलॉग किस चीज के लिए बनाना है? मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग ओटीपी क्यों मांग रहे थे। मुझे लग रहा कि शायद मेरा नया बैंक अकाउंट मैंने खोला था उसको लिंक करना चाह रहे थे क्या, मुझे पता नहीं। उसके बाद मैंने जब क्लोज कर दिया, रैंडमली 12 बजे ओटीपी आ रहा है कभी। मैने जितनी मतलब मेल भी कर लिया, ट्विटर पे मैंने उनको टैग करके बोल दिया कितनी बार, बोलते हैं कि मेल करो हम सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन नहीं करते, कुछ नहीं करते। और फिर जब चेक किया है, ये लोग फॉर्म पे भी साइन कराते हैं, उसमें डेट कट होता है कि आप कब तक ईसीएस चलेगा, वो डेट कट होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आप 12 महीने बाद अपने आप बंद हो जाएगा, वहां पर यानी क्लॉज होता है 50 साल तक चलता फ्रॉम से लेके लाइफ टाइम तक ऐसा उनका है। हाँ, टारगेट है। 50 साल, 50 ईयर्स का रहता है उन लोगों का कि 50 ईयर्स तक ये बंद ही नहीं होगा। और आपको बंद करवाना है तो आपको कॉल करके करवाना पड़ेगा। वो भी पहले आप कॉल करोगे, वो बोलेगा ठीक है हमने रेज कर दिया, अब आप 3 महीने बाद दोबारा कॉल करना, और अगर आपने कॉल नहीं किया तो कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, यानी और अगर ऐसा है किसी कि अगर को आप आप बोले। ऐसा है कि जब आप कॉल करोगे ना, तो ये लोग बंद करने के लिए मानेंगे ही नहीं। बोलेंगे भाई आप और क्या कर रहे हो? अब बोलेंगे हम ये कर रहे हैं, ठीक है तो उसको रजिस्टर कर लो। फिर आप बोलोगे हमारा बिजनेस चल नहीं रहा, तो बोलता है बिजनेस ऐसे नहीं चलता, उसके लिए टाइम लगता है, 2-3 साल लगाओ। भाई तुमको इतना ज्ञान देने के लिए बैठे हो, तुम सर्विस देने बैठे हो कि ज्ञान देने बैठे हो? ऐसे लोग बंद ही नहीं करते। अच्छा, आप एक बार उसका रिव्यूज देख लो, एक बार जाकर के प्ले स्टोर पे, सबका सेम तो आपने जैसे कहा कि जस्ट डायल के रिव्यू, तो जो रिव्यू मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली, तो आप देख सकते हो ये जस्ट डायल के ऐप पे नहीं, जस्ट डायल बिजनेस के ऐप के रिव्यूज है। तो
काफी लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट 1 स्टार काफी लोगों ने दिया है। अगर इनके रेटिंग्स भी हम देखेंगे 156 रिव्यूज है, आउट ऑफ विच 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वाले भी काफी है, मतलब तीनों का कंबाइन करें तो 5 स्टार से ज्यादा ही जाने वाला है। तो उसमें हर कोई वही बोल रहा है कि पहले ये बोलते कि फ्री है, पर आगे जाते पैसा लेना स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा भी वो ऐसे बोलते हैं कि फ्री लिस्टिंग इज जस्ट टू शो कलेक्ट नंबर्स एंड आफ्टर दैट यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स टू रजिस्टर बाय मेकिंग पेमेंट। तो पहले वो फ्री फ्री बोलते जैसे आपने कहा, और फिर आगे पैसा लेना चालू करते। सबके हाँ, पैसा लेना वही चालू करते हैं, बस। फिर आप पहले वो सबसे सस्ता पैकेट बेचेंगे, फिर आपको धीरे धीरे बोलेंगे आप अपग्रेड करो तो सर्विस देंगे, अपग्रेड करो सर्विस देंगे। उनकी लीड भी अगर उन्होंने गारंटीड लीड्स होती है कि 40 कस्टमर्स लाके हम देंगे, कॉल आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप जो नंबर वो देते हैं या तो उनके बंदे होते हैं या जबरदस्ती पूरी करने के लिए वो किसी और स्टेट्स का दे देंगे आपको कि हमने लीड पूरी कर दी बस। हाँ, और अगर फ्री का सर्विस भी आप लोगे तो प्रेशराइज करते कि आप पेड सर्विस लो बार बार, ये हाँ भी सही है। हाँ, परेशान कर देंगे आपको, फोन कर करके परेशान कर देंगे। ये एक रिव्यू है अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, तो उसने भी वही कहा कि 5 to 10 times a day वो कॉल करेंगे आपको, बार बार बोलेंगे अपग्रेड करो, इसलिए। और लेकिन काफी सबसे बड़ा लोगों, स्कैम है, सबने यही बोला कि 2 महीने का वो लोग बेच के जाते हैं, लेकिन वो होता है 12 महीने का। 12 महीने वो लाइफ टाइम ही हो गया समझ लो, क्योंकि वो 12 महीने तो कंपलसरी है, लेकिन वो फिर भी कैंसिल नहीं कर लेंगे, कितना हाथ पैर जोड़ लो वो कैंसिल करते ही नहीं। अच्छा सही है, वही देख रहा हूं मैं। हर कोई वही बोल रहा है कि पैसा लिया है, एक भी लीड नहीं लिया। ये बंदा बोल रहा है कि माय मनी 7080 इन द नेम ऑफ गिविंग लीड्स बट नॉट प्रोवाइडेड अ सिंगल लीड। और आप बंद, अगर लीड्स नहीं आ रहे बंद करना चाहो तो भी ये लोग बंद नहीं करेंगे, बहाना बना देंगे कि 3 महीना बाद कॉल करना, फिर बोल देंगे आप बंद क्यों करना चाह रहे हो, रीजन पूछेंगे, बोलेंगे बिजनेस इतनी इजीली नहीं चलता, आपको तो टाइम देना पड़ेगा, 2 2 साल और वेट करो तो बिजनेस चलेगा। बिजनेस चलाने के वो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देने लग जाएंगे, लेकिन लीड्स की कोई बात नहीं करेंगे, थर्ड क्लास सर्विस की कोई बात नहीं करेंगे। और सब बंदे फंसते एग्जैक्टली। इसलिए क्योंकि ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज इनको प्रमोट करते हैं इसलिए बंदे वो। तो मैं भी ये किया था, पैर में मेरे प्रॉब्लम थी तो मैं सोचा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन प्रमोट करते हैं, रणवीर सिंह प्रमोट करते हैं, तो अच्छा ही होगा, मैं बाद में टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेता हूँ, मेरे पैर में दिक्कत है तो मैं जल्दी जल्दी साइन कर देता हूँ। जब आके मैंने देखा टर्म्स एंड कंडीशन, मेरा दिमाग ही उठ गया, और 1.5 घंटे में मना करने के बाद भी उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। और वो कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर, और कस्टमर केयर ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, कस्टमर केयर धमकी दे रहा है कि हम तो पैसे काटते रहेंगे। हाँ, और एक रिव्यू भी ऐसा भी था कि फ्रॉड कस्टमर केयर करके, वो कोई सपोर्ट नहीं करते हैं कोई वो लोग सपोर्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। सीधा सीधा धमकी दे रहा अच्छा, और वो जब ईसीएस है ना, ये सर्विस का नाम ईसीएस, तो है। हाँ, ईसीएस इसी के सर्विस लोग है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आप लोगों से, या डायरेक्टली आपको लाइक पेमेंट कट करना चालू करके आपके अकाउंट डिटेल्स वो लोग वगैरह। एक ईसीएस मैंडेट आता है जो ईएमआई टाइप का जो होता है, वो फॉर्म में हमको साइन करना होता है, और हमको इनिशियली जो पेमेंट करना होता है, इनिशियली जो पेमेंट है वो 2 महीने का होता है, लेकिन वो 2 महीने का पेमेंट है ना वो लास्ट के 2 महीने का होता है। बोलता है कि पहले आप सारे पेमेंट्स करते रहेंगे और जो लास्ट के 2 मंथ्स है वो आप पेमेंट अभी कर रहे हो, मतलब आपको एक तरीके से फंसाने का तरीका है, लोगों को लगेगा कि हमने तो 2 महीने का पेमेंट कर दिया है जो कि लास्ट का 2 महीना है, तो ये काम करते हैं तो ये भी पेमेंट करते रहते हैं, तभी मेरा यूटिलाइज होगा, अगर मैंने पेमेंट अभी नहीं किया तो ये 2 महीने का भी वेस्ट जाएगा, ये सोच के बंदे यूटिलाइज करते हैं। 12 महीने के बाद जब वो लोग कैंसिल करने के लिए कॉल करते हैं तो वो लोग उसको भी कैंसिल नहीं करते, बहाना बनाते रहेंगे कि बिजनेस ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ दूसरा बिजनेस रजिस्टर करो, ऐसे करके बहाना बनाते हैं। अच्छा, और मतलब इन शॉर्ट वो 2 महीने का पेमेंट ऐसे ही लेते हैं बिना काम का, 2 महीने बस का, आपने। हाँ बिना काम का, वो भी आपका लास्ट महीने का होगा, लास्ट के 2 महीने का होगा, बोले कि लास्ट के 2 महीने हम अभी ले रहे हैं ताकि हम बंद ना कर पाए उसको, कि भाई हम सोचे कि 2 महीने का दे चुके हैं तो हम बाकी भी दे देते हैं। अच्छा, ऐसा जो है जस्ट डायल, और एक चीज ऐसे भी करता है जो मुझे पता चली है काफी लोगों से, कि वो लोगों से अपने, उन्होंने ऐसे वेब पेजेस बना रखे हैं कि लेट अस से टॉप 10 बुक स्टोर्स इन माय एरिया। तो हाँ इन माय एरिया है ना, स्टेट वाइज बोलेंगे या बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी वाइज बोलेंगे, तो उसमें वो 10 का लिस्ट क्लेम करेंगे, और उस लिस्ट में उन्होंने पैसा लिया है मोर देन 100 लोगों से, 100 शॉप ओनर से। तो उन अभी 100 लोग 10 जगह में कहाँ बैठे गए, नहीं बैठ पाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, रिपीटेशन में दिखाते हैं, पहले 10 दिखाएंगे, दूसरे दिन दूसरे 10 दिखाएंगे, ऐसे। मतलब अकॉर्डिंग टू जस्ट डायल सबका नंबर आना चाहिए, पर ऑनर तो यही पे करेगा, यही सोच के पे करेगा कि मेरा रोज टॉप 10 में दिखने वाला है, पर वैसा तो नहीं हो रहा है।
उनसे वो लोग पता है लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं कि हम स्टॉक फ्री में दिखाएंगे, लेकिन लाखों रुपए देने वाले तो हजारों लोग हैं, ये तो फ्लॉड बिजनेस ही फ्लॉड है। अगर मेरे को टॉप थ्री में जाना है और दूसरे बंदे ने भी उतना पेमेंट कर दिया तो आ जाएंगे टॉप थ्री, फिर वो मेरे को बोलेंगे और पैसा दो, फिर वो लोग बोलेंगे मैं और पैसा दो क्योंकि आपको किसी ने सरपास कर दिया, मैं और पैसा दूंगा फिर टॉप थ्री में जाने के लिए, ऐसा खींचते जाएंगे पैसा। हाँ, वैसे खींचते रहते पैसा, पर इन शॉर्ट ऐसा कुछ आउटपुट जो लोगों को चाहिए उतना नहीं मिलता है। हाँ, बड़े सिटीज में थोड़ा सा फायदा हो जाता है उनको, पर एट द एंड जब ईयरली कैलकुलेशन कोई भी बिजनेस ओनर करेगा या उसके अकाउंटिंग टीम करेगी तो उतना जो शेयर से लीड नहीं मिलता है जितना कि और दूसरे कुछ जो चीजें है वो करके मिलेगी उसको। सेम बिजनेस मॉडल इंडिया मार्ट का भी है। इंडिया मार्ट भी वही करता है कि इंडिया मतलब मैं मुंबई में बैठा हूँ और मुझे कोलकाता से फोन आ रहा है बिजनेस इंक्वायरी के लिए, इतना दूर मुझे कुछ माल भी भेजना होगा तो ट्रांसपोर्ट में ही ज्यादा पैसा चले जाएगा, तो कोई इतना दूर के इंक्वायरी का तो कुछ मतलब है नहीं। ईसीएस वगैरह चार्ज में करता है, जो भी पेमेंट इंडिया मार्ट लेगा वो वन टाइम लेता है, मंथली कोई लेगा नहीं, वन टाइम ही चार्ज करेगा कस्टमर से, वो भी ईयरली चार्ज करता है। और ईसीएस भी अगर है तो एटलीस्ट सच तो बोलो कि भाई 12 महीने का कंपलसरी है, और एटलीस्ट उसको, एटलीस्ट उसको चेंज तो कर दो, मतलब कि अगर कोई बंद करने बोले तो उसको क्लोज कर दो, क्लोज करना ही नहीं है। एक आदमी नहीं ने करता। लाइव कॉल दिखाया, लाइव कॉल पे वो हाँ बोल रहा है कि भाई क्लोज करो, उसका 6 साल से हाँ कट रहा था ईसीएस में, वो ओ बार बार बोल रहे हमने माय बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया, हम करते नहीं। वो बंदा लाइव कॉल गॉड। किया उसने, हाँ और वो बंदे वो लड़की वहां से बोलती है कि आपका दूसरा बिजनेस रजिस्टर कर लो, बिजनेस चलाने के ट्रिक्स बता रही, ऐसे करेगा वैसे करेगा, और बंदा भाई हाथ पैर जोड़ रहा है, तब जाके उसने 6 साल बाद बंद किया है जस्ट डायल का। एक बार हाँ स्टार्ट अगर कर दिए तो फिर समझो दलदल में घुस गए हो, बंद नहीं करता ये लोग। अच्छा ओके। और जो भी मिनिमम अमाउंट कितना जाता है ईसीएस में पर यूजर पर मंथ, ईसीएस फिर भी पर मंथ 1400 आपका है जाएगा, 1400 रुपये पर मंथ जाएगा। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 40,000 और मतलब ऑलमोस्ट 16,000 के पास में, 17,000 के पास में नंबर है अब तो ये ना। लोग प्रिटेंड ही ऐसा करता है कि 1400 महीना का है, और आप जब मन बंद कर सकते, बंदे को लगता है कि चलो 2 महीने ट्राई करके देखते हैं, एक बार वो हाँ स्टार्ट कर देता है बस वो चलता ही जाता है, बंद ही नहीं करेगा ये लोग। अच्छा और फिर मतलब अच्छा लगता है ट्रेनिंग ही सबको ऐसी ओके। दे रखी है, वो बंदा मैनेजर झूठ बोले कि हमने बंद कर दिया, वो कोशिश करता है कि कितना पैसा मैं खींच लूँ, मेरे को झूठ बोल रहा है कि मैंने बंद कर दिया, बंद कर दिया, नहीं वो कर नहीं रहा, ताकि मैं बार बार उन वेट करूँ कि शायद इस बार बंद हो गया, और अगर मैंने फिर कट जाए फिर मैं फिर कॉन्टेक्ट करूंगा तो बोले हाँ अब बंद कर दिया, अगर मैंने फिर कट जाएगा उसका कमीशन बनता रहेगा। तो उनका कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मंथली कोई नोटिफिकेशन आएगा, जैसे हमें बिल आता है, वाईफाई का बिल आता है या और नहीं टेलीफोन ये बिल इस आता है। टाइप का है कि जैसे कि आप ईएमआई पे इसे कुछ खरीद लेते हो ना, जैसे हाँ, स्कूटी ऑटो हो कार कट वगैरह, वैसे होगा। ये ऑटोमेटिक कटता रहेगा, ऑटो डिटेक्ट होता रहेगा। अब बैंक में मैंने बात किया तो बैंक वाले भी बंद नहीं कर सकते, बैंक वाले बोले कि ये सेंट्रलाइज होता है हम इसको बंद नहीं कर सकते, तो बैंक ने मना कर दिया था। और इसमें क्या कि अगर आप बोलो कि मैं पेमेंट रखूंगा ही नहीं तो बैंक आपको फाइन लगा देगा, ये बाउंस होने पर, बाउंस जैसे होता है तो फाइन आपको फाइन फाइन लगाएगा, अच्छा, बैंक और ही वो लगाता है। इसमें जो है हाँ बैंक फाइन लगा देगा कि आपका पेमेंट आपने नहीं किया, और आपका हाँ माइनस में चले जाएगा बैलेंस, और जब बैलेंस माइनस में चले जाएगा तो आप बैंक अकाउंट बंद भी नहीं कर सकते। हाँ तो बैंक तो फिर तो फाइन लगाते रहेगा, और पर मंथ के हिसाब से फाइन लगाता है। हाँ पर मंथ हर बार वो भी डबल होता जाएगा, जैसे फाइन लगता जाएगा हमेशा बढ़ता जाएगा फाइन, और आप बोलोगे ठीक है अब इसको बंद कर देते हैं, फाइन लगता जा रहा है, तो आप बोलोगे भाई पहले आप जो नेगेटिव अमाउंट उसको पहले पॉजिटिव करो, तो आप उसमें भरते ओके। जाओगे फाइन वगैरह, उसके बाद ही वो बंद हाँ होगा, नहीं तो बंद भी नहीं होगा। ओ माय गॉड, इसलिए मैंने मैंने नेगेटिव में जाने से पहले अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया था। अच्छा लेटेस्ट है, मेरा निगेटिव में बैलेंस जाता है ईसीएस कटने के बाद, और नेक्स्ट मंथ भी फिर भी ईसीएस कटेगा, नहीं इसे नहीं कटेगा, नहीं बाउंस हो जाएगा, मैसेज आएगा, बाउंस और होगा बैंक नहीं जैसे ही बाउंस कटेगा, होगा बैंक जो है उसमें और फाइन लगा देगा, फाइन हजार दो हजार लगा। तीन हजार से, और फाइन लगा देगा, और फिर आपको बोले कि आप अगर आपको क्लोज करना है तो जो फाइन लगा है उसको भरो, और उसके हाँ बाद सही पॉजिटिव है में जाएगा, और उसके बाद के अंदर जो सर्विस लोगों। प्रोवाइडर है वो भी सब हाँ फेक है, सारे के सारे फ्रॉडी है। मतलब हाँ एक लेडी ने ट्रांसपोर्टेशन का लिया था कि अपना हाँ हाँ घर शिफ्ट करवाने के लिए, उससे हाँ पैसे एडवांस लिए 5-6 हजार और गायब हो गए, और जस्ट डायल हटाता ही नहीं उन लोगों को, सारे के सारे फ्रॉड ये भरे पड़े, चाहे टेक्नीशियन ओ हो या कोई भी हो, सब उसके अंदर फ्रॉड है, जो उसके अंदर इन्वॉल्व है वो भी, कंपनी खुद भी फ्रॉड है, और जो नए ओके बंदे सिर्फ अमिताभ बच्चन के चक्कर में कि भाई अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं इसलिए उसमें लिस्ट करवा लेते हैं, और जब उनको रियलाइज होता है कि ये तो फंसने वाला काम है, बस बहुत देर हो जा चुकी होती है, या तो उनका अकाउंट क्लोज करना पड़ता है
या फिर वो 12 महीना वेट करते हैं पैसा दे दे करके, उसके बाद वो हाथ पैर जोड़ कर कैसे कैसे करवाते हैं यूज। अमिताभ बच्चन का तो सीन ऐसा है कि उसके पास जस्ट डायल के समथिंग इन फ्यू करोड़, उसके पास शेयर्स है, जो उसने बहुत अर्ली इन्वेस्टर है, एक्चुअली बहुत अर्ली इन्वेस्टर है, तो उनको अमिताभ बच्चन को तो पकड़ के रखना ही होगा। अमिताभ बच्चन को थोड़ी पता कैसा कंपनी चल रहा है, और वो बस ब्रांड देख रहा है। लेकिन उन लोगों को एटलीस्ट एटलीस्ट सर्च करना चाहिए ना कि भाई जस्ट एक बार सर्च कर ले, पूरा नेगेटिव रिव्यू, एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं बोलता। हाँ तो रणवीर सिंह ओ वो कौन, भी ऐड कर रहा है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो बाकी जो बॉलीवुड है वो पैसे के लिए कुछ भी कर पूरा देगा। ये सारा बॉलीवुड मिलकर के कोई भी स्कैम को प्रमोट करने लग जाता है, चाहे वो बेटिंग स्कैम हो जाए या क्यूनेट को भी बैठ कर।